आप शुरू कर रहे हैं ना okay. तो आप मेरे इंट्रोडक्शन करिए फिर उसके बाद आप ही बोलिए नमस्कार आप देख रहे हैं LallantopPart1 और LallantopPart1 की चुनाव यात्रा फिलहाल बैतूल में है बैतूल के सारणी में जिसके बारे में हमें ये बताया गया कि सारे शहर ग्रो कर रहे हैं विकास की बात हो रही सारणी एक ऐसा शहर है जो सिकुड़ रहा है हाल के लिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उस वर्कशॉप की जो फेसबुक की तरफ से हम जा करके अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग तरह के टारगेट ग्रुप के साथ कर रहे हैं हम लोग फिलहाल मौर्यन एजुकेशन कैंपस पे हैं और इसी कैंपस में डीएस कंप्यूटर्स भी काम करता है और जो लोग इस तरफ अभी आपको दिखेंगे जैसे पैन कर दीजिए इनसे हम क्यों मिलने आए हैं इनकी एक वजह मैं बता दूं ये आपका और दुनिया का परिचय है बहुत सारे छोटे छोटे शहर हैं हमारे स्टेट में मध्य प्रदेश में बैतूल भी छोटा ही है छिंदवाड़ा मंडला सिवनी इसके बाद इनसे छोटे शहरों की बारी आती है जैसे एक छिंदवाड़ा में भी और छोटा शहर है सौसर जिससे मैं आता हूँ ठीक है बैतूल में भी और छोटा शहर है सारणी जिससे आप आते हैं फिर सारणी से भी और छोटे शहर हैं जहाँ से धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ के हम पहुँचना चाहते हैं होराइजन तक के फलक तक और उसकी एक सीढ़ी अब हम मानने को तैयार हो या ना हो अंग्रेजी है एक मत यह है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी कंप्यूटर एजुकेशन आपको लेना पड़ेगा नहीं है तो चारा नहीं है तो अंग्रेजी और कंप्यूटर को सीढ़ी बना के जितने लोग यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं उनसे हम आज लोग खाते हैं और इस एक स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप के साथ हम आज के वर्कशॉप करने वाले हैं ठीक है अब मेरे अलावा आप लोग भी बोल सकते हैं इंट्रो के बाद इस वर्कशॉप में हम लोग बेसिकली वही करेंगे जो आप पढ़ रहे होंगे आप लोग अंग्रेजी के छात्र हैं लेकिन इतनी हिंदी आती होगी कि सच क्या है और झूठ क्या है गलत खबर भेजने का क्या असर होता है और मैसेज भेजते समय हमें कैसे बिहेव करना चाहिए सब प्लीज चेक कर लीजिए इस स्लाइड अब ये स्लाइड कर लीजिए ये सांकेतिक फोटो है अगली स्लाइड कितने लोगों को पता था कि सांकेतिक फोटो है मैं बोल गया आपका नाम इना इना क्या होता है सांकेतिक फोटो क्या होता है हाँ मोर और लेस जो इन्होंने बताया वही है कि जिसके मतलब उसका लिटरल मीनिंग नहीं होता है लेकिन उससे एक संकेत कर दिया जाता है क्या गया कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो वो सांकेतिक फोटो का मतलब वो आप ही कहिए कि दिखाने का दांत है इसलिए वो स्लाइड पे रुके नहीं हम तीन चीज़ों की बात करेंगे पहले सच राय और अफवाह कितने लोग यहाँ जानते हैं कि सच क्या होता है आप बताइए सर आपका नाम हाँ जी प्रियांशु प्रियांशु सच क्या होता है सच होता है ठीक है जो ये कह रहे हैं जो हम सही कहते हैं और कोई जो सच में जोड़ना चाहता है सच क्या होता है आपके पास लौटते हैं कोई सर अच्छा आप बताएंगे माइक ले जाता हूँ वहाँ तक मीन्स जो रियलिटी होती है हाँ इस पे सब बिलीव करते हैं ठीक सही कह रहे हैं फिर भी इसको और आसान बना सकते हैं सच एक ऐसी चीज होती है जिसका प्रूफ दिया जा सकता है जिसका सबूत दिया जा सकता है अगर मैं कह रहा हूँ कि अभी 3:08 या जितने भी 8 ही तो इसका सबूत दिया जा सकता है मैं अपनी घड़ी आपको दिखा सकता हूँ मैं कह रहा हूँ कि हम लोग डीएस कंप्यूटर्स में बैठे हैं सबूत दिया जा सकता है बाहर डीएस कंप्यूटर्स लिखा हुआ है बेसिक और कुछ सच नहीं होता है अगर प्रूफ नहीं है तो सच नहीं होगा दूसरी चीज है ओपिनियन और उसके बाद है अफवाह उसके हम लोग एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे आगे चले सर दिल्ली उत्तर भारत में सच है माइक यहाँ पे है आपको वहां बैठे हाँ सुनाई नहीं है जोर से पता कैसे चलेगा कि इतने लोग हैं यहाँ पे
अगली स्लाइड पे चलते हैं और अगली स्लाइड पे चलते हैं। यस यस सर। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि शादी में शोर? किसी को भी, कोई भी? अच्छा कोई ऐसा है जो सारनी के आसपास किसी गांव से है? यहाँ पे सब सारनी के लोकल्स हैं क्या? अच्छा एक बात बताओ, अगर आप सारनी में जहाँ पे प्लांट है सतपुड़ा थर्मल उसके पास खड़े हो तो क्या आपको सारनी शांत लगेगा? नहीं लगेगा। तो क्या ये कहना ठीक हुआ कि सारनी शांत है? नहीं। सारनी में ऐसी जगह है जहाँ पे शोर है, इसका मतलब ये सब्जेक्टिव चीज है। दिल्ली में आप अगर सीपी पे खड़े रहेंगे, मार्केट प्लेस पे रहेंगे, जो गोल गोल सी बिल्ली दिखाते हैं टीवी पे, दिल्ली में अगर है वो सीपी या और जगह तो वहाँ शोर सुनाई देगा, लेकिन दिल्ली में सारी ही जगहों पे शोर होता है, ये बात सही नहीं है। तो ये दिल्ली को लेकर के कुछ लोगों का मानना है कि दिल्ली में शोर है, ये तथ्य नहीं है, इसका सबूत नहीं दिया जा सकता। दिया भी जा सकता है तो हर जगह नहीं दिया जा सकता। जैसे सारनी हर जगह शोर से ग्रसित नहीं है, दिल्ली में नहीं, ये ओपिनियन है या राय है, ठीक है, क्योंकि ये लोगों के हिसाब से बदल सकती है। अगर आप सारनी से दिल्ली जाएंगे तो आपको बड़ा शोर लगेगा, लेकिन आप दिल्ली से भी ज्यादा शोर वाले किसी जगह से अगर वापस दिल्ली आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार यहाँ पे थोड़ा सा शांत लगता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं सर। मुंबई एक छोटा शहर। अगेन कितने लोगों को सारनी छोटा शहर लगता है? क्योंकि आप लोग सारनी से, अगर आप किसी गांव से होते जहां पांच घर होते तो सारनी आपको बड़ा लगता, लेकिन अगर आप बैतूल के होते तो छोटा लगता। यानी सारनी छोटा शहर है बड़ा या मुंबई छोटा शहर है बड़ा, ये भी ओपिनियन है, राय है, ठीक है। आपका नाम क्या है? अंशिका। ठीक है अंशिका, अंशिका एक बार खड़ी होंगी जानती थी, अंशिका की हाइट ये है, ठीक। अगर अंशिका के यहाँ तक के कोई बच्चा है उसके लिए अंशिका ऊँची है, अगर यहाँ है तो छोटी है, छोटी है। अब आपके छोटे या ऊंचा कहने से क्या अंशिका की हाइट चेंज हो जाती है? इसका मतलब ये एक ऐसी चीज है जो राय है, बदलती रह सकती है। और जरूरी नहीं है सही बैठ जाए प्लीज। अगली स्लाइड। तो क्या हम समझे कि राय क्या होता है? एक ऐसी चीज जिसके बारे में लोगों के अपने अपने नजरिए हो सकते हैं। ये क्या है? ये कितने लोगों के लिए ये सच है, कितने लोगों के लिए ये राय है? क्या है आपका नाम? क्या है? पूजा। थोड़ा जोर से भी बोलो। पूजा, ये अफवाह है। ये अफवाह क्यों है? एग्जैक्टली। अभी तक के हम नहीं जानते हैं कि सरकार ने क्या ऐसा कोई भी कार्यक्रम बनाया है। भाई अभी इतना बड़ा शहर है उसका नाम चेंज करेंगे, जैसे सर बैठे हैं आपका नाम चेंज करेंगे तो अखबार में छपेगा ना? छपेगा। नहीं छपेगा, लेकिन मुंबई का छपेगा। तो अगर मुंबई के नाम बदलने की बात आती है और अगर उसका कोई सबूत नहीं है तो वो आप लोगों के लिए अफवाह है जब तक कि उसका सबूत नहीं मिलता। ये बेसिक। अगली स्लाइड पे चलते हैं सर। और अगली स्लाइड पे चलते हैं। कितने लोगों ने ये फोटो देखी थी इससे पहले? कोई बात नहीं सर, अगली स्लाइड पे चलते हैं। कितने लोगों को मालूम है कि ये क्या है? नोट है, ठीक है। कौन सा नोट है ये? कौन सा है? अच्छा नोटबंदी के टाइम आप थे? क्या आप लोगों ने ये सुना था कि इस नोट पे चिप लगी है? चिप थी? नहीं थी। तो ये भी एक अफवाह थी जो नोट लॉन्च होने के समय फैल गई थी। नोट कागज का ही था, उसमें कोई बैटरी नहीं लगी थी, कोई चिप नहीं थी, वो बैंक से वैसे ही इशू होता है जैसा होता रहा था। अफवाह। अच्छा सारनी में कभी कोई अफवाह फैली है इससे पहले? फैल रहा था। हाँ जी क्या अफवाह फैली है? जैसे
सारनी में भी अफवाह फैलती थी चौथी गांठ थी। तो इसका मतलब आप लोग एक आप लोगों को एक बेसिक आइडिया है सच और अफवाह क्या होता है, है ना। तो ज्यादा समय खर्च के अगली स्लाइड पे चलते हैं और अगली स्लाइड पे चलते हैं, खाली स्लाइड, आराम लेने के लिए, पानी पीने के लिए, और आगे चलिए और आगे चलिए। ठीक है, तो हम समझ गए ये सच झूठ रहा है अफवाह। झूठ मैंने बताया नहीं, लेकिन झूठ तो बेसिक है। अगर सच मैं कह रहा हूँ कि जिसका सबूत है तो झूठ वो हुआ जिसका सबूत नहीं है। ठीक है, जैसे मेरा नाम पंकज नहीं है। आगे चलते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे कितने लोगों का झगड़ा हुआ, किसी का सब। किसी का आपका तो हुआ ही होगा सर। आप ये मैंने मैं नाम बोल रहा हूँ, आप नाम सुमित 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 आपका झगड़ा हुआ है बहुत बार। आपने क्या किया था फिर जिसने आपसे पंगा लिया था? फाइटिंग। क्योंकि आप आमने सामने थे। अच्छा ठीक है, अब एक बात बताओ, जब कोई जब आप किसी को मार रहे होते हो या कुछ बोल रहे होते हो उसमें, और अगर किसी को फोन पे कुछ बोल रहे होते हो उसमें फर्क होता है? क्या फर्क है? डर नहीं लगता। अगर कोई हमारे सामने होता है तो यानी कि हम यानी अपना गुस्सा उतार सकते हैं उसको, बट अगर सामने नहीं होते नहीं उतार सकते। हाँ, और क्योंकि लेकिन एक और चीज है इसमें, जब हम सामने होता है तो हाथ उठाने से पहले या कुछ भी बोलने से पहले मैं पीछे आता हूँ तो सामने बात शुरू हो जाती है। एनीवेज, जब हम किसी के सामने होते हैं तो ये दिक्कत होती, तो ये होता है कि हम बोलने से पहले या हाथ उठाने से पहले या कुछ भी करने से पहले सोचते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे सामने खड़ा हूँ आपके, तो अभी आपकी जो राय है या ओपिनियन है या सच भी अगर आपको कुछ लगता हो कि इसको चश्मे और हेयर स्टाइल के अलावा कुछ बदलना चाहिए, आप बोलने से थोड़ा झिझकेंगे? थोड़ा बहुत झिझकेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास में मतलब एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास में नंबर निकला है मेरा, ये फेसबुक की आईडी हो, तो वहां तो लिखना आसान है। इसका मतलब हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन बिहेवियर अलग अलग होता है। हम जो जिंदगी फेसबुक पे जीते हैं या व्हाट्सएप पे जीते हैं या ट्विटर पे जीते हैं, कितने लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं? आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ सर, अच्छा उधर और कौन चलाते हैं इंस्टाग्राम? आप चलाते हैं और इंस्टाग्राम आप भी चलाते हैं। ठीक बात, मैं बोल क्या रहा था? ऑफलाइन ऑनलाइन, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो इंस्टाग्राम पे जैसे हम नजर आते हैं वैसे हम असल जिंदगी में नहीं, है ना। ऑनलाइन ऑफलाइन बिहेवियर का फर्क अभी क्यों होता है, कोई भी जो बताना चाहे, कोई भी नहीं बताना चाहता, कोई बात नहीं। ऑफलाइन और ऑनलाइन बिहेवियर में फर्क का सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमें कॉन्सिक्वेंस का मतलब लगभग लोग जानते हैं नहीं, नतीजा उसका डर नहीं होता या कम होता है। सामने मेरे कोई खड़ा है, मैं उससे झगड़ रहा हूँ, मैंने चापड़ मार, वो भी मार सकता है। लेकिन अगर आपने फोन पे किसी को कुछ कह दिया वो क्या करेगा? दादा आपको कॉल बैक करेगा? बताओ, आप मैसेजेस करो आप वो मैसेज करेगा, आप रिप्लाई मत करो। हाँ, तो आपके पास में अलग अलग तरीके होते हैं उससे खुद को शील्ड करने के, इसलिए ऑनलाइन बिहेवियर हमेशा ऑफलाइन बिहेवियर से अलग होता है। और इसको पाटने का तरीका सिर्फ एक है और जरूरी है कि हम ऑनलाइन बिहेवियर मतलब फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे भी किसी से जब बात कोई कहें तो ऐसे ही कहें कि अगर ये आदमी मेरे सामने खड़ा होता तो क्या मैंने इसे ये बात बोली होती? क्यों?
एक बजे तो समझदारी वाली क्योंकि मैं वर्कशॉप में बताऊँ। दूसरी जो वर्कशॉप का स्टैंडर्ड हिस्सा नहीं है लेकिन मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ पे जरूर बताता हूँ, ये अगर आप किसी का मुंह तोड़ दें तो क्या होगा? हाँ जी पढ़ सकती है, पुलिस में रिपोर्ट होगी, हो सकती है पुलिस पे रिपोर्ट हो सकती है, उसके बाद धारा चलेगी, उसके बाद अगर आप 18 प्लस हुए तो जेल जाएंगे, नहीं तो बाल सुधार गृह जाएंगे, बच्चों की जेल, ये होगा। लेकिन अभी हमें फेसबुक चलाते हुए या व्हाट्सएप पे कोई मैसेज फॉरवर्ड करते हुए ये डर नहीं लगता है, जो जी में आता है भेजते हैं, भेजते ही, जिन लोगों ने नहीं बोला वो भी भेजते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों का ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस तरह से जब आप आमने सामने की लड़ाई में किसी को कुछ कहते हैं, किसी को कुछ करते हैं और उसके लिए धाराएं हैं, उसके लिए कानून है, वैसे ही आईटी एक्ट है जो आपके ऑनलाइन बिहेवियर का लेखा जोखा रखता है। अगर आप वहां पे हिंसा फैलाते हैं, अगर आप वहां पे ऐसी कोई चीज करते हैं जो इसको साइलेंट कर पाते जो किसी का नुकसान करती हो, तो आपके ऊपर उसी तरह पुलिस कार्रवाई हो सकती है जैसे ऑनलाइन, जैसे ऑफलाइन बिहेवियर की वजह से होती है। ऑफलाइन ऑनलाइन में कंफ्यूजन तो नहीं है, ऑनलाइन का मतलब जो फेसबुक व्हाट्सएप पे हम करते हैं, ऑफलाइन का मतलब आमने सामने, ये ऑफलाइन बातचीत, जब यूट्यूब पे जाएगी तो ऑनलाइन हो जाएगी। आप सुन साइन सुन सकेंगे, आगे चलते हैं, ये तो बता दिया मैंने, है ना, समझदारी सहानुभूति दयावान विचारशीलता, ये मैं बता के आपको नहीं समझा सकता हूँ, इसीलिए मैंने जो पहले बात बोली थी वो सबसे मार के की है कि ये इमेजिन कीजिए कि जिस भी इंसान के लिए मैं व्हाट्सएप पे कुछ लिख रहा हूँ, फेसबुक पे कुछ लिख रहा हूँ, ऐसे करो कि वो मेरे सामने होता तो मैंने किया होता क्या, और उसमें ये सब आ जाएगा, समझदारी आ ही जाएगी, है ना, समझदार होगे तो भाई नहीं करोगे ऐसी कोई चीज जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हो, नतीजा हो, सहानुभूति रहेगी, उसका रिएक्शन देख रहे हैं, दया भी आ ही जाएगी अगर मेरे जैसा भूखा अगर सुबह से वर्कशॉप कर रहा होगा तो थोड़ा शांत बैठोगे, विचार आप कर करके करेंगे। अब ये बोलने से नहीं होता है लेकिन फिर भी मेरा काम है बता, अब ये स्लाइड पे चलते हैं, ये सांकेत देख लो, अब ये स्लाइड पे चलते हैं, नजरिया, अगली स्लाइड पे चलते हैं। कितने लोगों के लिए, अच्छा ये क्या पक्षी और कोई भी क्या है आपका नाम? हाँ जी रानी, ये क्या है रानी? पक्षी है, और कोई क्या है ये दोस्त? आपका नाम रेहान, रेहान ये क्या है? बर्ड है, और कोई? हाँ जी आप सर, बर्ड हुई स्विमिंग, ये सबसे मेधावी छात्र देखो ऐसा होता है, बर्ड हुई स्विमिंग, यार बर्ड डक, ठीक है फिर उस हिसाब से सही, तो इसलिए मैंने मेधावी कहा भी था सर। अरे नहीं मैं देखो मैं बिल्कुल टारगेट नहीं कर रहा उनको, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जब बैक बेंचर्स मस्ती करते हैं और मेरे जैसे लोग जो आते हैं वर्कशॉप के लिए वो लोग उनको लगातार पेच करते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि आज का मजाक बन रहा है, लेकिन मैं बताऊं आपसे ज्यादा वो लेके जाएगा इस वर्कशॉप से, क्योंकि मुर्दू सोने का कोई फायदा या नुकसान नहीं होता। तो अगर आप न्यूसेंस भी हैं अगर आप, तो वो पार्टिसिपेशन में ही गिना जाएगा, इसलिए जवाब दीजिए, जवाब लीजिए, सवाल पूछिए, इंटरैक्ट कीजिए, है ना, थैंक यू। अगली स्लाइड पे चलते हैं, कितने लोगों के खरगोश लगा था? अच्छा इस तरफ से ये स्टैंडिस के सामने आ रहा है क्या ये? नहीं, इस तरफ से देखो, हाँ ये कान है, ये मुंह है, हाँ अब लग रहा है, अच्छा तो क्या हमने ये फोटो चेंज की? नहीं की, वही नजरिया अलग अलग है, यही चीज मैं समझाना चाह रहा, उसकी ज्योमेट्री को बिल्कुल छेड़ा नहीं गया, ठीक है,
एक ही तस्वीर बत्तख है, एक ही तस्वीर खरगोश है, इसीलिए ऑनलाइन स्पेस पे आपको एक ही जो चीज नजर आए उसके एक से ज्यादा मतलब हो सकता है, कोई सही नहीं कोई गलत नहीं। उस अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये क्या है? तस्वीर। ये तस्वीर तो है ही, और क्या है? शैडो है। और क्या है? किन से? मैडम आपका नाम क्या है? आप इतने धीरे बोलेंगे तो वहाँ सुनाई नहीं है। अच्छा आपके पास क्या? ये क्या है? तस्वीर में क्या? तस्वीर तो है, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? अच्छा कौन बताना चाहता है कि उस तस्वीर में? मुझे पता, आपको पता है? एक मिरर है इसके सामने। थोड़ा सा और बताओ आप, अगर क्योंकि माइक से आप बहुत दूर। एक मिरर है इसके सामने। ठीक है, एक मिरर है इसके सामने, कोई खड़ा है। ठीक है, ये मैं बहुत सारे वर्कशॉप करके हम पहली बार मुझे ये सुनने को मिला है। अच्छा है, और कोई? उधर उधर माइक पहुंचा दो, बीच वाले भाई साहब के पास। हाँ पकड़ो। अब क्या क्या नजर आता है दोस्तों? आप माइक मुंह के पास लेके जाओ। मिरर। और कोई जिसको मिरर के अलावा अगर किसी को कुछ लग रहा हो तो बताओ, जल्दी आगे चले। हाँ मिरर के अलावा कुछ भी लगता हो आपको? हाँ अच्छा, ये अलग अलग दो लोग हो सकते हैं? बोला मिरर मिरर वो ठीक है, उन्होंने बताया। ये पहली बार किसी ने अभी तक के वर्कशॉप में जितने मैंने कि मिरर वाला बात कही, और अब मुझे देखने के बाद लग रहा है कि हाँ ये मिरर भी हो सकता है, और वो सही है। अच्छा कितने लोगों को लगता है कि ये लड़का है ये लड़की है? मेरे को दोनों एक ही दिख रहे हैं। अच्छा कि मतलब ऐसा वेग पॉसिबिलिटी, क्या ये लड़का लड़की हो सकते हैं? हो सकते हैं, हो सकते हैं। ये मिरर वाले हो सकते, ये हो सकता है कि बीच में आईना रखा हो? एक कम से कम एक व्यक्ति बता। हो सकता है। कितने लोगों के हिसाब से ये लड़का लड़का हो सकते हैं? नहीं। कितने लोगों के हिसाब से लड़की लड़की हो सकते हैं? अच्छा अब विषयांतर जिसको कहते हैं, ये टॉपिक ये फेसबुक की डिफॉल्ट जो ट्रेनिंग है उसका हिस्सा नहीं, लेकिन मैं हर जगह इस चीज को जरूर कवर करता हूँ। इनसे की थी आप, मैडम आपका नाम? अच्छा क्या आपको लगता है कि ये लड़का लड़का हो सकते हैं? नहीं, नहीं। क्या ये लड़की लड़की हो सकते हैं? ऐसा आपको क्यों लगता है? अच्छा ठीक है, अभी ज्योमेट्री पे ही है बात, लेट पे हो रहा है, कोई बात नहीं। कितने लोगों को ऐसा अगर मैं जोर देके कहूँ कि ये दोनों लड़कियां हैं या दोनों लड़के हैं, कितने लोगों की बात सुनने में अजीब लगती है? चलिए फिर आप मतलब अब तक का सबसे खिड़कियां भी हो सकती, अभी जाएंगे वहां। ये सबसे इनलाइटेंड क्राउड है, ये बात मैं जहाँ जहाँ वर्कशॉप्स में जाता हूँ ये जरूर कहता हूँ। दरअसल मैंने अब तक जितनी वर्कशॉप्स किए हैं ज्यादातर लोगों का जोर रहा है कि या तो ये लड़का है तो ये लड़का है, या तो ये लड़की है तो ये लड़की है, लेकिन लोग इस बात को लेके कंफर्टेबल नहीं है कि ये दोनों लड़कियां हो जाए, ये दोनों लड़के हो जाए। आप ये वही तो मैं कह रहा हूँ, अब तक के सारी पहली जगह है जहाँ पे इस चीज का स्वागत किया गया, वरना लोग बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं सुनने में। अनकंफर्टेबल का मतलब सब लोग जानते हैं आप, कि एक लड़का और लड़का दोस्तों, एक लड़की और लड़की दोस्तों, कौन सा दोस्त बोल रहा हूँ आप जानते हैं। ये फेसबुक ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी की भी पसंद साथी की सही या गलत के दायरे में नहीं आती। अगर आपने ये बात पहले नहीं सुनी थी तो आज सुनिए, आज सुन के अजीब लगती है तो इसको रिमिनेट कीजिए। जैसे गाय होती है, गाय जुगाली कैसे करती है? बेसिक वो ये करती है कि एक बार खाती है फिर वो बाहर निकालती है फिर चबाती है फिर खाती है, तो इस बात की जुगाली कीजिएगा।
कि किसी की भी साथी की पसंद सही या गलत नहीं होती, तो उसके लिए उसे जज ना किया जाए। आपको पसंद है लड़का साथी, आप कीजिए उससे प्यार। आपको पसंद है लड़की साथी, आप कीजिए उससे प्यार। दोनों के दोनों नहीं पसंद है और कुछ है आपका, वो कीजिए। ये जो अभी का रिएक्शन था ना, ऑफ, इसी डिस्कम्फर्ट को डिफीट हम करना चाहते हैं, है ना। क्यों, हम सब चाहते हैं कि हम जो आज जहाँ पे हैं, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, सारी से आगे बढ़ना चाहते हैं, उसकी एक सीढ़ी ये भी है कि वो स्किल्स तो हम सीखें जो हमको नौकरी दिलाने में काम आए, साथ साथ वो स्किल्स भी सीखें जो हमें एक बेहतर इंसान बनाए। लौटते हैं फेसबुक पे, सर अगली स्लाइड पे चलते हैं। कितने लोगों को ये फूलदान लगा था? आपने बोला नहीं लगा था। दोबारा वही बात ज्योमेट्री इस चीज की वही है। ये फूलदान भी हो सकता है, ये मिरर इमेज भी हो सकती है, ये लड़का लड़की हो सकते हैं, लड़का लड़का हो सकता है, लड़की लड़की हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अलग अलग नजरिया है, कोई सही कोई गलत नहीं, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं सर, सांकेतिक फोटो। अगली स्लाइड पे चलते हैं, सुने वाला दर्शक। अच्छा ये दोनों क्या है? क्या मुर्गी के? मैं पहुंचता हूँ ना, मेरा बोल रहा हूँ। आपका नाम क्या है? अच्छा यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो दोपहर का खाना मना है जिनके सार नहीं तो आवाज क्यों नहीं निकालते हैं आप लोग? नाम क्या? अच्छा आपको लेफ्ट वाला क्या लगता है? चूज द राइट वाला। ये भी जितनी मैंने वर्कशॉप की उसमें दूसरा नायाब उदाहरण, एक चूजा और दूसरा गर्ल्स वाला जी। ये नई चीज है, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा ठीक है। भी आइडिया ये था इस पिक्चर का कि ये अलग दिखता है, ये अलग दिखता है, लेकिन है दोनों चूजे। तो खाते हो तो दोनों को खाइए और पालते हो तो दोनों को पालिए, उन दोनों में फर्क मत कीजिए। अगली स्लाइड पे चलते हैं सर। सुने और आदत, उसका मतलब यही होता है, ये मैं बता चुका हूँ। अगली स्लाइड पे चलते हैं, हमने अब तक के क्या क्या सीखा है उसकी एक सूची है। हमने सीखा सर झूठ, राय और अफवाह में अंतर। किसी को अभी सुबह हो तो पूछे दोबारा, सच में कह रहा हूँ क्योंकि मेरा तो जा ही रहा है टाइम, आपका भी जा रहा है, आप कितना सीख के ले जाएंगे आपके हाथ में है। क्या किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, दूसरों का नजरिया समझे, बहुत नजरिया समझा हमने आज तो, ठीक है। सबका अपना अनुवाद हो सकता है, ये तो नहीं सोचो कि आपके मैसेज से दूसरे को क्या लगे, ठीक है। या जिसके सामने विचारशील और संवेदनशील, कि कोई ऐसा है जिनको विचारशील और संवेदनशील का मतलब ना पता हो, तो मैं बताऊं। विचारशील मतलब सोच के काम करना, संवेदनशील मतलब फीलिंग्स रखना अपने अंदर किसी दूसरे की फीलिंग्स के प्रति, ठीक है। और नीचे का तो वही है जो मैं बार बार बोले जा रहा हूँ। अगली स्लाइड पे चलते हैं। बात की है हमने, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब तक की ये जो सावधानियां थी, ये फेसबुक पे हम कैसे व्यवहार करें उसके बारे में थी। अब जो ज्यादा सीरियस चीज है उसके बारे में बात करेंगे, फेक न्यूज, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, झूठी खबर को कैसे पहचाने। अगली स्लाइड। अच्छा, सादी ने किसी को कोई बड़ी घटना याद है? कोई बड़ी घटना? हाँ, उन तक माइक पहुंचा दीजिए और फिर आप नाम बताइएगा और बताइएगा क्या है। अच्छा, क्या बड़ी घटना हुई थी? अभी पाताखेरा में जो स्कूल है ना, बड़ी स्कूल, वहाँ पे अचानक ही वो धस गया था नीचे, जमीन ही धस गई थी। हाँ ठीक है, थैंक यू। अब ये एक ऐसी चीज है क्योंकि आपका माइंड्स वाला एरिया है, डब्ल्यू सेल है यहाँ पे, एक्सक्यूज मी,
क्योंकि आपके डबल शेल है, क्योंकि आपका कोयला निकलता है जमीन से, तो ये चीज थोड़ी सी आम है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। लेकिन जो लोग इस एरिया से नहीं है, जिन लोगों ने कभी खदान वाले एरिया नहीं देखा है, उनको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि एकदम से जमीन कैसे धस सकती है, धस सकती है लेकिन एकदम से कैसे हो जाएगा। तो जितनी भी ऐसी चीजें हो जो आपको सुनने में अजीब लगे, ठीक है, जिनको सुनकर एक बार में भरोसा नहीं होता है, उन्हें लेकर के हमें सतर्क रहना है। कैसे, आगे बताते हैं। सर अगली स्लाइड। इसका सबसे तगड़ा हथियार होता है URL। कितने लोग जानते हैं URL क्या होता है? आप जानते हैं? और कोई? मुझे ऐसा रफ नंबर चाहिए सर, मैं बता दूंगा खुद ही URL। अच्छा, आप सब लोग, कितने लोगों ने यहाँ पे फोन पे कभी भी कोई खबर पढ़ी है? आपने पढ़ी है? मतलब एक हेडकाउंट दे दीजिए, कितने लोगों ने खबरें पढ़ी है फोन पे? कुछ लोगों ने तो पढ़ी है। अच्छा, अब जो सबसे ऊपर स्ट्रिप होती है, मैं घुमा के दिखा रहा हूं सब, जो सबसे ऊपर स्ट्रिप होती है जहां पे वो किटपिट किटपिट वाली इंग्लिश लिखी होती है, वो होता है URL। जो सबसे ऊपर है, अगर आप ब्राउजर चला रहे हैं, क्रोम का, फायरफॉक्स का, कोई भी, तो जो सबसे ऊपर होता है वो, तो मैं अभी फिलहाल अगले एक मिनट URL की बात करूंगा। अच्छा मैडम, आपका नाम क्या है? खुशबू। सर खुशबू, क्या आप कभी अपना नाम लिखने में गलती करती हैं? नहीं। आपका नाम क्या है? पिंक स्टोर। ज्योति। ज्योति, क्या आप कभी अपना नाम लिखने में गलती करते हैं? नहीं। इसका मतलब हम इस बात पे सहमत है कि हम सबको अपने नाम की सही स्पेलिंग पता होती है। वैसा ही URL होता है। कैसे? अभी जो मैंने पेज दिखाया था वो LallantopPart1 का URL था, तो अगर उसमें LallantopPart1 लिखा है तो कभी उसकी स्पेलिंग गलत हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमको तो हमारे नाम की स्पेलिंग पता है। वैसे ही अलग अलग समाचार माध्यम, अखबार हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, अगर वो डिजिटल पे काम करते हैं, अगर वो ऑनलाइन खबरें देते हैं, वो कभी अपना नाम लिखने में, यानी अपना URL लिखने में गलती नहीं करेंगे। अगर आपको वहां स्पेलिंग मिस्टेक मिलती है तो पहला शक वही पैदा हो जाए कि ये गलत खबर हो सकती है, ये फेक न्यूज हो सकती है। अब हर बार जरूरी नहीं है, जैसे किसी का नाम बहुत बड़ा है, जैसे अगर, जैसे मेरा नाम निखिल भाट, हो सकता है मैंने NW से URL बनाया हो, लेकिन एक बार बनाया तो हमेशा मेरी खबरें NW से जाएंगी, कभी WN नहीं होगा, कभी PN नहीं होगा, कभी ZN नहीं होगा। URL हमेशा एक परमानेंट मार्कर होता है। अगर आपको एक, अगर आपने एक बार ध्यान दे दिया और आपको दोबारा उसमें गलती दिखती है, तो एक तरीका वो पकड़ने का हुआ, ठीक है। अगली स्लाइड से, इस तरह से ये एक तरीका है। सोर्स की जांच करें। स्कूल धसने वाली बात की मैंने बताई थी आपने, आपको कैसे पता चला था? अच्छा, आपने तो देखा था। कोई ऐसा है जिसने सुना है कि स्कूल धसा? आपने सुना था, ठीक है। आपको कैसे पता चला था? पेपर में न्यूज आई थी, ठीक है। और कोई ऐसा जिसने सिर्फ सुना हो? आपने सिर्फ सुना था, जो आखिरी में है, अभी माइक वहां गया नहीं इसलिए मैं बता दें, इन्होंने सिर्फ सुना था। तो अभी मैं उन चीजों की, मैं अभी उस तरह की खबर की बात कर रहा हूँ जो इसी तरह से अनवेरिफाइड सोर्स से हमारे पास आती है। इन्होंने अखबार में पढ़ा था, एक ने तो देखा था अपनी आंख से, तो सच है क्योंकि सबूत है, देखा है। दूसरा, आपने अखबार में पढ़ा है, अगर एक जिम्मेदार अखबार होगा तो उसने सही लिखा होगा। लेकिन अगर आपने सुना है या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या किसी से भी, कोशिश कीजिए कि आप उसके सोर्स की जानकारी निकालें। कैसे? अगर सुना है तो आप, एक आसान तरीका ये हुआ कि अगर सागनी की बात है तो फोन पे देख, फोन करके देख ले, मैं किसी को, किसी का मोहल्ला पास में हूँ। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप फोन कर पाए, तो उसके लिए फेक न्यूज पकड़ना और जो लोग फेक न्यूज बस्ट कर रहे हैं उनका काम फॉलो करना आपके लिए इस चीज को थोड़ा आसान बनाएगा। ये क्या होता है मैं आगे बताऊं, आप ये स्लाइड्स करते हैं।
बेसिक मैं इसकी बात कर रहा हूँ। कई बार आप में से कितने लोगों ने फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे वीडियोस देखे हैं जिसमें ऐसी कोई अनहोनी वाली घटना दिखती है, पुल गिर गया, ठीक है, भूकंप आ गया, आग लग गई, दंगा हो गया, ज्यादातर लोगों ने देखी है। अब इन्हीं तरह के मैसेजेस से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है पिक्चर से और ऑडियो से और वीडियो से। कैसे? किनका उधर झगड़ा किनका हुआ था? सुमित जी। नाम क्या बोलिए सर? सुमित। सुमित पवार। कब हुआ था सर? मान के चलिए सुमित के 6 महीने पहले, कौन सा महीना आएगा? 6-5 मई। मान के चलिए मई 2018 में सुमित के हुए झगड़े का एक वीडियो है, ठीक है, बहुत मारा था, ठीक ठाक मारा। तो अगर वो वीडियो आज डाल दिया जाए तो देखने में तो वैसे ही लगेगा, स्वेटर मई में भी नहीं पहना था, हो सकता है सफेद शर्ट भी उस दिन पहनी हो, तो देखने वाले को क्या लगेगा कि सुमित का झगड़ा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप इन मैसेजेस की, इन तस्वीरों की जांच करें। अगली स्लाइड पे चलते हैं सर, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि एक असली घटना, जैसे वो स्कूल धसने का वीडियो हो, असली सच में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? पहले। अब झगड़ा तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कई बार इससे दंगे जैसी चीजें भड़क जाती हैं। कोई यात्रा जा रही है, किसी ने उठा के कुछ फेंक दिया, किसी ने नहीं देखा कि क्या गिरा था, किसी ने नहीं देखा कि किसने फेंका था, लेकिन लिख के आ गया सोशल मीडिया पे, मैसेजेस में, सोशल मीडिया पे, ग्रुप्स में, पर्सनल मैसेज में, कि भाई वहां तो बवाल हो गया। अब बवाल की खबर हमेशा बवाल ही पैदा करेगी, इसलिए सोर्स वेरीफाई कीजिए, तारीख की जांच कीजिए। मई का झगड़ा मई में ही हो सकता है, नवंबर में नहीं हो सकता है दोबारा। टाइम पीछे वाली मशीन तो भी बनी नहीं है, इसलिए डेट पता करने की कोशिश कीजिए। अगली स्लाइड सर चलते हैं, अन्य रिपोर्ट। अच्छा, स्कूल धसने वाली बात आपने कौन से पेपर में पढ़ी थी? आपने, मैं आ रहा हूँ उधर, उसमें इसमें बताइएगा। अच्छा, कितने लोगों ने दैनिक भास्कर के अलावा स्कूल धसने की खबर किसी और अखबार में पढ़ी? आपने। इसमें पढ़ी थी? पत्रिका में। पत्रिका में पढ़ी। इसका मतलब कोई भी बड़ी चीज अगर होगी तो वो एक से ज्यादा जगह छपेगी, एक से ज्यादा जगह आएगी, एक से ज्यादा जगह दिखाई जाएगी। इसीलिए कोई भी बड़ी चीज, कोई भी चीज ऐसी जो आपके दिमाग में शक पैदा करे, उसे एक से ज्यादा सोर्सेस पे चेक कीजिए। हो सकता है कि दंगा हुआ हो, लेकिन अगर हुआ होगा तो वो एक से ज्यादा जगह उसके बारे में जानकारी होगी। सिर्फ एक जगह है तो कभी ऐसा सीक्रेट, ऐसा कान में तो किसी को बताते नहीं कि दंगा हुआ है ना, पब्लिक होता है, एक से ज्यादा जगह आता है, अलग अलग रिपोर्ट्स देखे। अगली स्लाइड पे चलते हैं, कितने लोग स्पूफ जानते हैं? स्पूफ, SPOOF, नहीं जानते, कोई बात नहीं। अच्छा, कितने लोगों ने टेलीविजन पे न्यूज रिपोर्ट देखी? न्यूज देखिए, अभी भी ऐसा लग, देखो मैंने नहीं खाया खाना, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने नहीं खाया। देखें, कभी कभी ऐसा होता है कि स्पूफ बनते हैं, पैरोडी बनती है, जैसे कॉमेडी सीन होता है वैसे, तो बिल्कुल वैसे ही सेटअप होगा जैसे न्यूज का होता है, वैसे ही आदमी बैठा होगा एकदम, जिसका चश्मा थोड़ा सही होगा, जिसकी हेयर स्टाइल थोड़ी सी ठीक होगी, जिसके पास थोड़ी सी ठीक ठाक चीजें होंगी, और वो न्यूज बता रहा है। अब देखने में अपने को लगेगा कि ये सच्ची न्यूज है, लेकिन कई बार वो मजाक की मंशा से की जाती है, वो स्पूफ कहलाता है, ठीक है। जैसे आपने कोई हिट फिल्म शोले देखी हुई, आप नकली शोले देखिए किसी ने? नहीं, लेकिन ऐसी पैरोडीज बनती है, ठीक है, कॉमेडी सीन्स बनते हैं, तो वैसे ही न्यूज की पैरोडीज भी बनती है जिनको हम स्पूफ कहते हैं। तो अगर उसमें ऐसी कोई बात लिखी है कि स्कूल धस गया, या ट्रक पलट गया, या झाड़ गिर गया, तो दिमाग इस पे भी चलाएगी, जो हम देख रहे हैं, जो भी चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं, कहीं ये मजाक तो नहीं। कई बार मजाक मजाक में सीरियस हो जाती है ना बात, हम किसी दोस्त को कुछ कह रहे होते हैं मजाक में, वो
सीरियस हो जाता है कि यार भाई नहीं है तो समझ नहीं रहा है होता है वैसे इधर भी हो जाता है। अगली स्लाइड तो उस प्रूफ के बारे में बता रहा था ये सबसे खतरनाक होती है। कितने लोग जानते हैं कि फेक न्यूज प्लांट भी की जाती है? आप जानते हैं और आप भी जानते हैं और उधर कोई पीछे जानता है कि फेक न्यूज प्लांट होती है? प्लांट होना क्या होता है? सारने वाला प्लांट नहीं, झाड़ वाला, ठीक है। कई बार झूठी खबरें जानबूझ के सोशल मीडिया पे डाली जाती है। जैसे सर आपका नाम कैसे बोलते हैं? सुमित पवार, ठीक है। कई बार जानबूझ के लिखा जाएगा कि सुमित पवार का झगड़ा हुआ था। क्यों? अब जो सुमित पवार के दोस्त है वो पहुंच जाएंगे और दुश्मन भी पहुंचेंगे। क्यों? दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो वो लोग पीटने पहुंचेंगे, ये लोग पिटने पहुंचेंगे। इसी तरह से अब ये एक मजाक का उदाहरण है लेकिन कई बार ये असल जिंदगी में हो जाता है, ठीक है। आप लोग अलग अलग बैकग्राउंड से, आप लोगों ने अपने आसपास इस तरह की चीजें सुनी होंगी कि अफवाह है, किसी और मोहल्ले की बात हो रही है, जानबूझ के इस तरह की बात होगी, चार आदमी मर गए। यार मैं मरने की बात करूं आपको हंस संवेदनशीलता कहां गई? अभी थोड़ी देर पहले तो बताई। हाँ ये सही, आप मतलब सही, ये बड़े स्केप्टिक नेचर की है और ये अच्छी चीज है, ठीक है। बहुत आगे आप जाएंगी अगर आपको न्यूज में करियर बनाना है। सीरियसली एनीवेज मैं ये कहना चाह रहा था कि कई बार जानबूझ के इस तरह खबरें फैलाई जाती हैं कि दो लोगों के बीच में, दो कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा पैदा हो, वही होती है फेक न्यूज प्लांट कर। कौन लोग करते हैं उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है लेकिन ऐसा होता है और उसी को पहचानने में आपकी वो URL और बाकी टूल्स काम आएंगे। अगली स्लाइड पे चलते हैं सर। ये थोड़ा सा आसान है, फेसबुक वाली चीज थोड़ी सी सुनने में टेक्निकल थी, व्हाट्सएप वाली थोड़ी आसान है, इसलिए भी आसान क्योंकि मुझे अब बहुत जोर से भूख लगी तो मैं जल्दी से बताऊं। तो व्हाट्सएप की सर्वोत्तम प्रथा है, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हुए क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। अब ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, ज्यादातर लोग अच्छी तरह जानते हैं कि व्हाट्सएप कैसे इस्तेमाल करते हैं, उस पर कैसे ब्लॉक किया जाता है, कैसे स्पैम किया जाता है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग या तो नहीं जानते, चाहे एक व्यक्ति हो लेकिन उसका जानना भी जरूरी है, और इसलिए भी कि एक बार आप लोगों के दिमाग में बात रिइंफोर्स हो और आप लोग जब लोगों से मिलें दूसरे लोगों को बताएं कि हमने आज ये सुना, ताकि उसके दिमाग में भी एक बार ये फेक न्यूज नहीं असली न्यूज प्लांट हो, ताकि उन, और यही इस वर्कशॉप का मकसद भी है, वरना मैं बोल के और आप लोग बोर होके चले जाएंगे। अगली स्लाइड पे चलते हैं सर। कितने लोग पकड़ लेते हैं इस बात को कि मैसेज फॉरवर्ड किया है या लिख के भेजा? फॉरवर्डेड लिखा होता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं सर। जो लोग नहीं जानते उनके सहूलियत के लिए मैं बता रहा हूँ और जो लोग जानते हैं वो लोग सुन ले एक बार, कोई नुकसान नहीं है। ये क्यों बताना जरूरी है? ज्यादातर जो लोग फेक न्यूज प्लांट करने का और फैलाने का काम करते हैं वो इतने मेहनती तो होते नहीं है कि वो लिखें उसको बार बार। वो क्या करते हैं, सिलेक्ट करके फॉरवर्ड कॉपी करते हैं फिर फॉरवर्ड कर देते हैं। इसलिए अगर किसी चीज पे संशय है तो उसको पकड़ने का एक आसान तरीका है कि अगर वो फॉरवर्डेड है, एक चा मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि फॉरवर्ड हुआ हर मैसेज फेक हो झूठ, सच भी हो सकता है। जैसे कई कुछ लोगों को व्हाट्सएप फॉरवर्ड से पता चला होगा कि आज क्लास है लेकिन नहीं जाना चाहिए क्योंकि आज वहां बोर करेगा। अच्छी खबर भी हो सकती है लेकिन फॉरवर्डेड मालूम चलता है। अगली स्लाइड ये बताया ना, अगली स्लाइड। अच्छा यहाँ पे, हाँ सही बात है, यहाँ पे कितने लोगों ने आज क्लास का टाइम चेंज हुआ है और 2:00 PM लगेगी इस तरह का कोई मैसेज अपने दोस्तों के साथ शेयर किया है? आपने क्या मालूम कर दी? अच्छा आपको किस तरह का रिस्पांस मिला है उसका? सर
अच्छा एक काम की बात, ये अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने साथियों को ये बताना चाह रहे हैं कि आज आप इस तकलीफ से बचिए कि 2 बजे आना है, 1 घंटा लेट, 1 घंटा और सो सकते हैं, काम की बात है। लेकिन इसको लेके आदमी बड़ा स्केप्टिक होता है। लेकिन अगर अगर उसमें ये लिखा हो कि आज मैंने इन दोनों को बात करते हुए सुना कहीं कोटन को, तो कैसे रिस्पॉन्स मिलता है? वो बता, हाँ उस बात को लोग ज्यादा सच मानते हैं जबकि उसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, गॉसिप, गॉसिप का मतलब तो जानते हैं, गॉसिप या अनवेरिफाइड न्यूज, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि काम की बातें बोरिंग लगती है और जो गॉसिप होती है वो इंटरेस्टिंग लगती है, इसलिए बात चल रही है। थोड़ी देर पहले तक चल रही है, अभी नहीं चल रही। बेसिक आइडिया कि अगली स्लाइड पे चलते हैं, तो इस चीज से बचें, काम की चीज पे फॉरवर्ड करें। अच्छा कितने लोग यहाँ पे, कितने लोग, अच्छा आप लोगों का कोई ग्रुप है जिसमें टीचर्स की बुराई होती है? सच बताओ, ऐसा ग्रुप है जिसमें टीचर्स की नकल होती है? अच्छा कितने लोग ऐसे हैं कि जो किसी ग्रुप में और इरिटेट होते हैं? या कितने में आप सर, मेरे ग्रुप की लड़कियां दिन भर मैसेज करती हैं। मैं उधर, हाँ ये बात द नेशन वांट्स टू नो, बताइए सर ये लोग सब। आप अगर माइक पास में ले लेंगे, नाम बताएंगे तो अच्छा लगेगा। सर मेरा नाम मेघा साहू। अच्छा हाँ, क्या होता है आपके साथ बताइए। सर ये लोग दिन भर बातें करेंगे, फालतू की बातें करेंगे, पूरे मैसेज जब भी मैं ऑनलाइन होंगी पूरे के पूरे 100-200 एक साथ आते हैं। ठीक है, थैंक यू। ऑनेस्ट कन्फेशन दोस्तों के बारे में, ऐसी स्थिति में मेघा को क्या करना चाहिए जानती होंगी, फिर भी मेरा काम है एक बार और बताना जरूर नहीं जानते। सर अगली स्लाइड, हम कौन सा कंटेंट देखना चाहते हैं उसके बारे में पहले बात। सर अगली स्लाइड, पहली चीज तो चाहे तो उस नंबर को आप ब्लॉक कीजिए। ठीक है, अगर वो कोई ग्रुप है तो उसको ग्रुप पे क्लिक करने पे ऐसा खुलता है सारे पार्टिसिपेंट्स उसके नीचे एग्जिट ग्रुप लिख के आता है, एक ये तरीका है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वो ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो जानबूझ के ऐसा, हाँ बोलो बोलो, हाँ अगर वो जानबूझ के झूठी बात फैला रहा है तो ये अथॉरिटीज को मालूम चलना चाहिए कि ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। ठीक है, उसका तरीका है रिपोर्ट स्पैम। रिपोर्ट स्पैम से क्या होता है? रिपोर्ट स्पैम से एकदम से किसी का अकाउंट बंद नहीं होता है, लेकिन व्हाट्सएप को ये बात मालूम चल जाती है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो ज्यादा क्रिएटिव है, तो वो लोग उसको रिकॉर्ड पे रखते हैं, जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी करते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं सर, ब्लॉग जानते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं सर। एक ये तरीका है देखना के लिए, आप इनको म्यूट कर दीजिए, आप लोगों का जो ग्रुप है चाहे तो, अगर आपको कॉन्सिक्वेंसेस का डर ना हो तो नतीजा। अगली स्लाइड, एग्जिट ग्रुप, और आगे चलते हैं। कितने लोग इस फीचर को जानते हैं, ग्रुप डिस्क्रिप्शन? आप जानते हैं? ठीक है, ज्यादा लोग नहीं जानते इसलिए मैं सीधे बता देता हूँ। अब आप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, तो अगर कोई भी ग्रुप से जुड़ रहा है या आपके ग्रुप को ऐड कर ले रहा है, ठीक है, या उसमें घुस जा रहा है किसी तरह से, आप किसी दोस्त को बोल के एडमिन को बोल के घुसा, तो उसे ये बताने के लिए कि ये ग्रुप किस मकसद से बनाया है, जैसे टीचर्स की बुराई, ठीक है, अब वो उस ग्रुप का मकसद है तो उसमें वही हो काम की बात। अगर ऐसा कोई ग्रुप आपने बनाया हो तो उस ग्रुप का मकसद फिर वही है, उस पर वही हो, ठीक है, तो वो डिस्क्रिप्शन से पता चलता है। अभी स्लाइड पे चलते हैं सर, एक तरीका ये भी, कितने लोगों ने सेटिंग्स में ये चेंज किया है कि कितने लोग ग्रुप में क्या डालें? आप ये फीचर जानते थे? Yes, sir. कुछ लोग जानते थे? Yes, sir. कोई सवाल था सर? नहीं, तो आप सेटिंग्स में जाइए ग्रुप की और वहां पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, चूज हू कैन सेंड मैसेजेस टू दिस ग्रुप, यानी कितने लोग ऐसे होंगे जो इस ग्रुप में कोई तस्वीर, मैसेज या टेक्स्ट लिख सकते हैं, है ना,
या ऑडियो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं। अगर ऑल पार्टिसिपेंट्स करेंगे तो सारे आ जाएंगे, ठीक है। एडमिन्स करेंगे तो सिर्फ एडमिन आएंगे। तो एक तरीका आपके पास में ये है, मेघना नाम है आपका, हाँ, तो आप एक ग्रुप बनाओ, उसके खुद